हाय, दिस इज मी हसन। आज हम बात करेंगे इलस्ट्रेटर में मैयर टूल किस तरह से काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट। फाइल मेन्यू ओपन, हार्ड ड्राइव से आप मैं एक फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप भी अपने पास कोई भी फाइल हो तो उसको ओपन कर सकते हैं फॉलो करने के लिए। और आई ड्रॉपर मेन्यू में हमारे पास में मैयर टूल जो है वो मौजूद है। मैयर टूल एज इट नेम के डिस्टेंस को और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान के डिस्टेंस को मैयर करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को मैयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस टू जूम इन, हैंड टूल टू एडजस्ट द स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस बेस रेक्टेंगल का डिस्टेंस जानना चाहता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहते हैं, जस्ट प्रेस द शिफ्ट। इन्फो का पैनल खुद ब खुद पॉप अप करेगा। इफ इट्स नॉट कम टू द स्क्रीन, आप विंडोज मेन्यू में जाके इन्फो को खुद से एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास में एक्स वाई और उसका डिस्टेंस जो है वो अवेलेबल, विड्थ मैंने जो है टारगेट की थी। जैसे कि ये एक बॉक्स है, मैं इसकी विड्थ जानना चाहता हूँ, क्लिक एंड ग्रैब। जिस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया वहां से स्टार्ट लेगा, उसके बाद से उसकी विड्थ आ जाएगी। अगर आप हाइट को टारगेट करेंगे, क्लिक एंड ग्रैब, तो हाइट आपके पास में टारगेट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस टू जूम फर्दर मोर, जैसे कि मैं इस बार का डिस्टेंस जानना चाहता हूँ, कंप्लीट डिस्टेंस, क्लिक एंड ड्रैग। जहां हमने क्लिक किया उसके एतबार से जिसके अंदर फिल पोर्शन है उसको जानना चाहते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो हाईलाइट हो जाएगी। दो बॉक्सेस का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैयर टूल विल हेल्प अस। अगर कहीं पे आपके पास में एंगल की इन्वॉल्वमेंट होगी, जैसे कि मैं डायगनली इसको मैयर करना चाहता हूँ, तो आप इन्फो के बॉक्स में इस वक्त में विड्थ, हाइट और एंगल को भी कैलकुलेट होता हुआ देख सकते हैं अलोंग विद द डिस्टेंस। होप यू गाइस अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।